सीएनजी की सप्लाई फिर बंद। सीएनजी की फराहमी आज से 10 जनवरी तक बंद रहेगी। सुई नॉर्दर्न के ऐलामिया के मुताबिक आरएलएनजी टर्मिनल की सालाना मुरम्मत की वजह से सीएनजी बंद रहेगी। पेट्रोल लेना है तो हेलमेट पहन के आओ। हाईकोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी। बिना हेलमेट ईंधन देने वाला पंप सील कर दिया जाएगा। जस्टिस अली अकबर कुरैशी, हेलमेट पहनो, पेट्रोल लो। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने भी नोटिस लगा दिए। अवामी रिक्शा यूनियन एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन का एलपीजी माफिया और जलई इंतजामिया के गठजोड़ के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में रिक्शा ड्राइवर्स, खातीन और बच्चों की भी शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इंतजामिया ने यकीन दहानी के बावजूद एलपीजी की कीमतें कम नहीं की। मजीद गौरी की गुफ्तगू। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। शिमला पहाड़ी के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। नॉन स्टॉप महंगाई, नान रोटी भी महंगी। नए पाकिस्तान में नान रोटी के लाले पड़ गए। कहीं गैस प्रेशर, कहीं एलपीजी और लकड़ी महंगी होने का रोना। तनूर माफिया भी खुद सर हो गए। रोटी 2 रुपए महंगी कर दी। 10 रुपए वाला नान अब 12 रुपए में मिलेगा। घरों से गैस गायब, बाहर से रोटी महंगी। आवाम दोहरी अजियत का शिकार। नान रोटी महंगी होने पर शहरी बिलबिला उठे। महंगाई की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आ गई। शहरियों की दुहाई, घरों में गैस नहीं आती। तनूरों पर जाएं तो नान बायों ने नान महंगे कर दिए। कहां से रोटी पकाएं, क्या खाएं, शहरियों के हजार शिकवे। आज तो गैस नहीं जी आती, फिर तंदूरों ने महंगी लकड़ खरीदनी है ते नान तो अपने आप इन्होंने महंगा करना है। ठीक है, जो असि अगे 10 रुपया लेंदे हूँ असं 15 रुपया लैन लग पे नान। नान इस वक्त 12 रुपए का और रोटी 10 रुपए की हो चुकी है। घरों में गैस नहीं आ रही। बाहर से गैस लेने जाएं तो 180 रुपये 200 रुपये गैस मिल रही है। यहाँ तो हम अपने बच्चे चौकों में ला के उनको भी आग लगा देते हैं, अपने आप को भी आग लगा लेते हैं। हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। गवर्नमेंट ने हमारे पर एक और धमाका दे दिया है, नान 12 रुपए का कर दिया। इन्होंने बड़े दावे किए थे कि तब्दीली आ गई है। तब्दीली आई कहाँ पे? तब्दीली ये आई है गैस बिजली और पानी को महंगा कर रहे हैं ये। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से, वजीर आला से, कि इस बात का नोटिस लें। ये है नया पाकिस्तान। वजीर आजम इमरान खान वजीर आला पंजाब से इंतहाई खुश। वजीर आला पंजाब की देहाती साहिलीन से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट कर दी। इस तस्वीर की अहमियत 1000 अल्फाज से ज्यादा है। इमरान खान का ट्वीट। अदालती अहकाम हवा में उड़ा दिए। जेल हुकाम हथकड़ियां लगाकर डायरेक्टर सरगोधा यूनिवर्सिटी डॉक्टर अक्रम को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर आई। प्रोफेसर अक्रम को आरजाए कल्ब में मुब्तला होने के बावजूद हथकड़ियां लगाई गई। क्या नए पाकिस्तान में यही मेरिट है? आपने ऐसे मुल्क चलाना है। डॉक्टर वसीम को निस्तर अस्पताल इसलिए लगाया कि वो वजीर आला बुजदार का सिफारिशी है। निस्तर अस्पताल मुल्तान तकरूरी केस में चीफ जस्टिस सेक्रेटरी सेहत पर बरस पड़े। हम डॉक्टर वसीम की तकरूरी का नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। सेक्रेटरी सेहत, अब आप रहने दें, कल वीसी निस्तर को पेश करें। चीफ जस्टिस साकिब निसार, किसका किससे क्या ताल्लुक है सब मालूम है, अब सियासी दबाव से निकल आए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील। रॉयल पाम गोल्फ कंट्री क्लब को अदालती तहवील में ले लिया। लीज होल्डर्स का क्लब में दाखिला भी बंद। रेलवे की अराजी 3 साल से जायद लीज पर देने पर पाबंदी आयद। रॉयल पाम क्लब की मैनेजमेंट फिरगोसन कंपनी के सपुर्द रमजान शेख और मैनेजमेंट को रॉयल पाम क्लब का कब्जा फिरगोसन कंपनी के हवाले करने का हुक्म। रॉयल पाम वाले बा असर हैं, आधा मुल्क इनकी बात मानता है। रेलवे की अराजी रेलवे के पास ही रहेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रॉयल पाम पर तारीखी फैसला किया। मेरा दिल चाहता है कि पीएसी की सरबराही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस
ऑपोजिशन पर फिर वार, बोले जो इकट्ठे हो रहे हैं चौकीदार का किरदार अहम है। आसिफ जरदारी पहले ही कहते हैं कि जेल इनका ससुराल है। आसिफ जरदारी साहब ने मेहंदी लगा ली, झूमर पहन लिया, जेल जाने को तैयार। बाऊजी को जेल में कुलसूम नवाज की याद सताने लगी। वालिद नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल गई थी। वालिद से पूछा कि घर से कुछ चाहिए, उन्होंने कहा कुलसूम की तस्वीर ला दें। मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान मस्नूई वजीर आजम है, ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। एहसन इकबाल का जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले नून लीग में कयादत का कोई फुकदान नहीं। सीपैक कबानी और दहशतगर्दी खत्म करने वाला जेल में है, मुल्क का मजाक बनाने वाला वजीर आजम है। साबिक वफाकी वजीर राणा तनवीर का कहना है कि हम अदालती जंग लड़ेंगे, पीटीआई वाले एनआरओ के मामले पर शोभदाबाजी कर रहे हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली का मिशन, चीफ जस्टिस ने फंड रेजिंग मुहिम का आगाज कर दिया। अस्पताल की बहाली के लिए 1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। अस्पताल की बहाली के लिए 7 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी बनाने और अस्पताल का गुज़िश्ता 10 साल का ऑडिट कराने का भी हुक्म। क्रिश्चियन कम्युनिटी के डॉक्टर पीटर जे डेविड का 1 करोड़ रुपए का अतिया। जस्टिस की क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी से इमदाद की अपील। शाह आलम मार्केट में तजावजात का मामला हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। जिला इंतजामिया और ताजर आमने सामने। पंजाब हुकूमत ने 8 रुकनी कमेटी बना दी। 1 हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर का पार्किंग कंपनी पर अदम एतमाद। इंतजामिया को 1 हफ्ते की मोहलत, नया प्लान मांग लिया। अब्दुल अलीम खान कहते हैं आवाम को फायदा ना हुआ तो पार्किंग कंपनी बंद कर देंगे। मुख्तलिफ इलाकों के लिए पार्किंग रेट भी मुख्तलिफ होने चाहिए। शहर से पार्किंग की मद में कम से कम 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाए। बड़ा मशकूर हूँ आपका, खास तौर पर आपके चैनल का, कि वो हमारा दुख जो है समझकर और यहाँ पर आया। और पिछली हुकूमत ने हमें सिर्फ तमाम फनकारों को 5,000 रुपये की भीख दी थी। चले 5,000 से गरीबों के घरों के चूल्हे जलते थे। इस हुकूमत ने आते ही वज़ीर इत्तला'आत ने ख़ास तौर पर अपनी मेहरबानी फरमाकर वो 5,000 का वजीफा भी, वो भीख भी बंद कर दी है। मैं 43 साल से इस कौम की चिमटा बजाकर नाच कर गा कर मैं खिदमत कर रहा हूँ, और अब सिले में ये मिला है भूख और फाका। हमारी औलादे हमारी इज्जत नहीं कर रही, हमें मर जाने के लिए बद्दुआएं मिल रही हैं। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से कि सिर्फ एक 50,000 रुपया अगर एक मुलाजम आपके मुलाजमों को मिल रहा है, तो हमें जो 5,000 मिलता था उससे भी हमें महरूम कर दिया गया है। उम्र भर चिमटा बजाया, नाच गाकर कौम की खिदमत की, सिले में कुछ ना मिला। फनकार बरादरी अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ गई। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, वजीफों की बहाली का मुतालबा, वजीर इत्तला'आत का नोटिस, फनकारों को मुजाकरात के लिए बुला लिया। व्हाइट हाउस की गैर कानूनी तामीर का मामला, अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर महकमा एंटी करप्शन में पेश। मलिक शफी खोकर भी मुकदमे में नामजद। एक एक मरला मेरी मलकियत है, किसी जगह पर कब्जा नहीं किया, मेरे घर को गिराया जा रहा है, इसमें 13 खानदान रहते हैं, इंसाफ की उम्मीद है, सैफुल मलूक खोकर की गुफ्तगू। डीजी नैब लाहौर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद। साइलीन के हाउसिंग सेक्टर से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा गए। डीजी नैब की मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी के लिए मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी। शहजाद सलीम बोले नैब का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुल्क से करप्शन का खात्मा है, अवाम मुल्क से बदनवानी के खात्मे के लिए नैब से भरपूर तआवुन करें। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, दूसरों को पकड़ने वाले खुद गिरफ्त में। टैक्स की अदम अदायगी पर FBR ने महकमा एक्साइज के अकाउंट्स मुंजमित कर दिए। महकमा एक्साइज होल्डिंग टैक्स की मद में 79 करोड़ 92 लाख रुपए का नादहिंदा निकला।
ज्यादा कमाई क्यों कम बताई, रहीम स्टोर इंतजामिया से पूछगिछ शुरू। एफबीआर ने सेल्स की दोबारा मॉनिटरिंग शुरू कर दी, इससे कबल एफबीआर की सेल्स मॉनिटरिंग करके 1,70,00,000 रुपए टैक्स आयद किया गया। स्टोर इंतजामिया का 50,00,000 की अदायगी के बाद बकिया टैक्स अदा करने से इनकार। शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेस कोर्स पुलिस का सीटीडी और रेंजर्स के हमराह सर्च ऑपरेशन रेस कोर्स के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम से मुतअद्दिद अफराद के शनाख्ती कवायद की चेकिंग भी की गई। पैरा एशियन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की पजीराई, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में इनामत देने की तकरीब। इनाम बट और बिलाल हैदर के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम। वजीर खेल राय तैमूर का इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट कराने का भी ऐलान। तस्वीरें बोलती हैं रंगों की जुबान। अलहमरा में गुलबर्ग कॉलेज शोभा फाइन आर्ट्स का डिग्री शो, ऑयल और वाटर पेंट से कैनवस पर इंसानी रवैयों की शानदार अक्कासी, देखने वालों ने तुलबा की महारत को खूब सराहा। और सर्द शाम में म्यूजिक का तड़का, गुलबर्ग में सजी रंगारंग महफिल मौसीकी, गुलूकारों ने अपनी आवाज के जादू से शुरका पर सहर तारी कर दिया।